हेलो एवरीवन, हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और सीड, तीनों ही टॉपिक्स के बारे में, और होपफुली आज हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा एक मेल गैमेट होता है वो एग सेल में जाके फ्यूज करता है और एम्ब्रियो बना लेता है, जायगोट बनाता है जो आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा मेल गैमेट हमारा सेंट्रल सेल में जाता था, फ्यूज करता था और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता था पैक, और उसके न्यूक्लियस को हम कहते थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आगे जाके एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को एक बार चेक कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एंडोस्पर्म। सो अभी हमने पीछे देखा था कि जो हमारा मेल गैमेट था वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके एक सेल बनाया था, जिसे हमने नाम दिया था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके न्यूक्लियस को हम कह रहे थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो सेल है ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बार माइटोसिस डिवीजन करेगा। सो उसके बाद ये एक टिश्यू बना लेगा, बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर बना लेगा, जिसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म में बहुत अच्छे खासे अमाउंट में फूड स्टोर होता है, और ये जो फूड है इसकी हेल्प से जो हमारा जायगोट होता है वो न्यूट्रिशन लेता है। अब एंडोस्पर्म बहुत अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, तो अब आगे देखते हैं कितने टाइप्स के एंडोस्पर्म्स हैं। जो हमारा पहला टाइप है एंडोस्पर्म का, वो होता है हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है वो न्यूक्लियर माइटोसिस करता है। न्यूक्लियर माइटोसिस होता है जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता रहता है और सेल वॉल नहीं बनती। इससे ये एक से दो, दो से चार, उसके बाद ये और डिवाइड करेंगे करके हज़ारों के अमाउंट में न्यूक्लियस बना लेगा, और फाइनली इसके कुछ न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल आती है और कुछ फ्रीली ही रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है हमारा कोकोनट, जिसमें आप देख सकते हो कि सेल वॉल आ गई है। तो जिस पे सेल वॉल आती है वो होता है आपके कोकोनट का वाइट कर्नल पार्ट, और जो फ्री न्यूक्लियर पार्ट होते हैं वो होते हैं आपके कोकोनट वाटर। हमारा दूसरा टाइप होता है सेल्युलर एंडोस्पर्म। सेल्युलर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये डिवीजन करता है और तुरंत सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद इसने दोबारा डिवाइड किया और अब की बार चार न्यूक्लियस बने और तुरंत चार सेल्स डिवाइड हो गए। ऐसे ही करके ये फाइनल एंडोस्पर्म स्टेज तक पहुँचता है। इसका एक एग्जाम्पल हमारा होता है पेट्यूनिया। और लास्ट टाइप होता है हमारे एंडोस्पर्म का हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है वो डिवाइड होकर एक से दो बनाएगा और सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, फिर दो से चार बनाएगा, तो एक साइड तो सेल वॉल फॉर्मेशन होगी और दूसरी साइड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलते रहेंगे। इसका जो हमारा बेसिक एग्जाम्पल है वो होता है हमारा वाइल्ड स्पीशीज में। ये था हमारा एंडोस्पर्म। अब आगे बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में। अभी तक हमने पीछे डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो एक मेल गैमेट होता है वो जाके एग सेल में फ्यूज करता है और जायगोट बनाता है। जायगोट की प्लॉइडी होती थी हमारी 2N, मतलब ये एक डिप्लॉइड सेल होता था। ये क्या करेगा, ये माइटोसिस डिवीजन करेगा और एक से दो में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों की प्लॉइडी सेम रहेगी क्योंकि ये माइटोसिस डिवीजन था। अब इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। अब ये हमारा जो प्रो एम्ब्रियो है ये दोबारा माइटोसिस डिवीजन कर करके एक स्टेज पर पहुँचेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो। उसके बाद ये और माइटोसिस डिवीजन करता रहेगा, फिर ये पहुंचेगा हमारा हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो की स्टेज तक। उसके बाद फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे मैच्योर एम्ब्रियो में, और उसके बाद ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा एम्ब्रियोजेनी। अब हम हमारे इस मैच्योर एम्ब्रियो को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये रहा हमारा मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। इसकी जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक्सिस जो मिड से ऊपर की तरफ वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपिकोटाइल, और मिड से लोअर वाली एक्सिस को हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। इसके जो हाथ जैसे स्ट्रक्चर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं कॉटिलेडन्स, और ये जो कॉटिलेडन्स होते हैं बेसिकली एम्ब्रियो की लीव्स होती हैं। जहाँ पर ये दोनों अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, उस पार्ट को हम बोलते हैं प्ल्यूमल। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल के नीचे एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। ये होता है हमारे डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। कुछ जो हमारे एम्ब्रियो होते हैं उसमें जो मैच्योर एम्ब्रियो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है इसमें से बस एक ही कॉटिलेडन्स दिखता है, वो होते हैं हमारे मोनोकॉट। अब हम देखेंगे मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। जो मोनोकॉट होता है ये भी सेम होता है, इसकी जो एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं शूट एपेक्स, स्टेम टिप या फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस। मिड से ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, मिड से नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। उसके साथ साथ इसके अंदर जो आपको कॉटिलेडन्स दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम या फिर कॉटिलेडन भी कह सकते हो। उसके जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो होता है हमारा रेडिकल, और रेडिकल के नीचे अगेन एक रूट कैप प्रेजेंट है, और उसके नीचे एक जो पोर्शन निकला हुआ दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोलियोरिजा।
और साथ ही साथ इसमें एक मिड में बर्ड लाइक पोर्शन है, उसको हम नाम देते हैं एपिकोटाइल, और उसी के जस्ट ऊपर एक पोर्शन है जिसे हम नाम देते हैं कोलियोप्टाइल। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मेजरली आपको इसमें स्क्यूटेलम और एपिब्लास्ट को याद रखना होगा, और कोलियोप्टाइल और कोलियोरिजा। ये होता है हमारे मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सीड। सीड, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास दो दो जायगॉट थे, तो दोनों जायगॉट को, एक को मैंने 5 किलो एंडोस्पर्म दे दिया, दूसरे को मैंने 50 किलो एंडोस्पर्म दे दिया। सो मान लेते हैं कि दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी वो 5-5 केजी की ही थी। तो ये दोनों जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होंगे तो एक ने तो सारा यूज़ कर लिया होगा, क्योंकि उसको रिक्वायर भी था 5 किलो, उसको दिया भी 5 ही केजी था। तो उसके अंदर कोई, जब वो सीड बनेगा आगे जाके, तो उसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। और जो दूसरा होगा उसके अंदर कुछ एंडोस्पर्म बचा रहेगा। अब ये 50 केजी से रिलेट मत करने लगना, क्योंकि जायगॉट का जो एम्ब्रियो हमारा होता है उसका वेट भी 50 केजी नहीं होता है, जस्ट एक एग्जांपल था। सो जो सीड होगा जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा रहता है उसको हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, और जो हमारा सीड होता है जिसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा होता उसको हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। और नॉन एल्बुमिनस के हमारे एग्जांपल्स होते हैं हमारा मटर, हमारे ग्राउंड नट्स और हमारी बीन्स। साथ साथ हमारे एल्बुमिनस के एग्जांपल होते हैं आपके वीट, बार्ली, मेज, कोकोनट, कैस्टर, सनफ्लावर एक्सेट्रा। अच्छा अब है ना, मेरी एक बात को ज़रा अच्छे से याद रखना। जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो जायगॉट में डेवलप होता है, जैसा हम पहली वीडियोस में देख चुके हैं। जायगॉट हमारा एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, जैसा हमने अभी पीछे ही देखा है। और दूसरी बात ये याद रखना कि जो हमारा ओव्यूल होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, वो ओव्यूल आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखते हैं कि ओव्यूल से सीड कैसे बनता है। सो ये रहा मेरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इसके अंदर सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर थी उसको हम आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते थे, उसके अंदर वाली प्रोटेक्टिव लेयर को हम इनर इंटीग्यूमेंट बोलते थे। एम्ब्रियो सैक और इनर इंटीग्यूमेंट के बीच के स्पेस को हम लोग न्यूसेलस बोलते थे, बीच वाले सेल को तो हम एम्ब्रियो सैक ही बोलते थे। हमने ये पढ़ा था कि ऊपर एक छोटी सी जगह पर ये इसको कवर नहीं करता, उस पोर्शन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। सो माइक्रोपाइल क्या होता है, ये हमेशा ओपन ही रहता है, इवन जब ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तब भी इतनी सी ओपनिंग रहती है। इस ओपनिंग से क्या होता है, न्यूट्रिशन का, वाटर का ट्रांसफ़र होता है सीड के अंदर, जिससे सीड सर्वाइव करता है। सो होगा क्या कि जो हमारा आउटर इनर इंटीग्यूमेंट और हमारा न्यूसेलस होगा वो आगे जा करके ड्राई होकर के सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो हमारा एम्ब्रियो सैक होगा वो आगे जा के सीड के अंदर वाला एम्ब्रियो बन जाएगा। और उसके साथ साथ कई केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि जो आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट है बस वही सीड कोट बना लेते हैं, और जो हमारा न्यूसेलस होता है वो हमारा रिमेन रहता है हमारे सीड के अंदर, और जो न्यूसेलस का एरिया बचा रहता है सीड के अंदर उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। और इसका एग्जांपल हमारा होता है ब्लैक पेपर और बीट। एक टर्म और याद रखना, डोरमेंसी। डोरमेंसी होती है जो एम्ब्रियो होता है हमारा वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ वेट करता है फेवरेबल कंडीशन के वापस आने का, ताकि वो दोबारा से ग्रो कर सके। सो अब हम देखेंगे कि हमारा फ्रूट क्या होता है। हमने अभी तक देख लिया कि हमारा सीड क्या होता है। सीड होता है हमारे जो अंदर इसके ओव्यूल्स हैं। सो जो हमारा फ्रूट होता है वो होता है हमारी ये ओवरी, और ये जो ओवरी की वॉल्स होती है ये आगे जाके फ्रूट की वॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। इसको समझने के लिए फ्लावर का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहे हमारे सेपल और पेटल्स, और उसके साथ साथ ये रहे हमारे फ्लावर के अंदर प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स, जिसके ऊपर ही ओवरी प्रेजेंट है। इसे इस रीजन को हम बोलते हैं थैलेमस। इसके अंदर नेक्टर भरा हुआ होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, वो होता है हमारा नेक्टिफेरस एरिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है और ये बाकी सारे के सारे पार्ट्स डीजनरेट हो जाते हैं और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। बट कई बार क्या होता है कि ओवरी अकेले सफिशिएंट नहीं होती फ्रूट फॉर्मेशन करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, ये थैलेमस, नेक्टर या अदर पार्ट से हेल्प ले लेती है फ्रूट फॉर्मेशन करने के लिए। ऐसे पार्ट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जो कि हेल्प ले करके डेवलप होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हमारा एप्पल, कैश्यू और स्ट्रॉबेरी। और दूसरी तरफ होते हैं जो हमारे फ्रूट्स बिना किसी की हेल्प के बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। इसका एक एग्जाम्पल है हमारा मैंगो। कई बार तो क्या होता है कि ओवरी को पॉलन की भी ज़रूरत नहीं होती, वो बिना फर्टिलाइजेशन करे ही फ्रूट फॉर्मेशन कर देती है। इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका एक एग्जाम्पल है आपका बनाना। और उसके साथ साथ कई बार क्या होता है, हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस भी कर सकते हैं अपनी तरफ से चाहें तो। हमें बस करना ये है कि ग्रोथ हार्मोन देना है फ्लावर को। जैसे ही हम उसमें ऑक्सिन और जिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन्स इंड्यूस करेंगे, तो वो अपने आप ही फ्रूट फॉर्मेशन कर लेगी बिना फर्टिलाइजेशन के।
और ऐसे जो भी फ्रूट बनेंगे वो होंगे हमारे सीडलेस। अच्छा, अगर हमारा जो ओवरी है उसके अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है तो उससे जो हमारा फ्रूट बनेगा वो भी एक ही सीड वाला होगा, और अगर जो हमारी ओवरी के अंदर मल्टीपल सीड्स प्रेजेंट है तो उससे जो हमारा फ्रूट बनेगा वो भी होगा हमारा मल्टीपल सीड्स वाला। इसका एक एग्जांपल होता है हमारा ब्रिंजल, हमारा बैंगन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आपका ये जो सीड बनता है इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये जो सीड है, अगर मैं आपसे पूछूं कब तक सर्वाइव करेगा या इसकी वायबिलिटी क्या है, तो उसका आंसर होगा कि ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। कुछ स्पीसीज में ये मंथ्स तक सर्वाइव कर पाता है बस, कुछ में ये सालों तक सर्वाइव कर जाता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक सर्वाइव कर जाता है। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो है ल्यूपाइन प्लांट का, जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपाइनस आर्कटिकस। ये हमें आर्कटिक टुंड्रा में मिला था, और जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमें ये एस्टिमेट हुआ कि ये ऑलमोस्ट 10,000 साल से डोरमेंसी में था। उसके बाद हमने जब इसे ग्रो करने की कोशिश करी तो ये इजीली ग्रो हो गया, मतलब ये 10,000 साल के बावजूद भी वायबल था। इसका एक और हमें एग्जांपल मिला था, वो था हमारा डेट पाम, जो है हमारा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये हमें डेड सी के पास मिला था जब हम किंग हेरोड की पैलेस की जो थी वहाँ पर इवैक्यूएशन कर रहे थे। सो ये जो सीड था ये कम से कम 2000 साल तक डोरमेंसी में था, बट उसके बावजूद भी ये वायबल सीड था। अच्छा, फाइनली डिस्कस करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जो है हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। सो एपोमिक्सिस क्या होता है पहले ये देखते हैं। एपोमिक्सिस होता है हमारा विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन ना होना बट फिर भी सीड तो बनना। ये क्या होता है, ये कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो इसके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो क्लोन्स होते हैं, मतलब जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं। इसके एग्जांपल आपको मिलेंगे ग्रास और एस्ट्रेशियाई। सो अभी हमने पीछे पार्थेनोकार्पी पढ़ा था, उसमें भी बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ था। सो दोनों में फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये है कि इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है, बट पार्थेनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन हुआ था और उसमें सीड था ही नहीं। सो ये होता है इनके बीच में डिफरेंस, और आप बाकी पॉइंट्स को भी एज अ डिफरेंस लिख सकते हो, लाइक पार्थेनोकार्पी डजंट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके साथ साथ लास्ट टॉपिक है हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी। सो इसमें ये होता है कि हमारा जो एक ही ओव्यूल होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब एक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। सो फाइनली ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरी तरफ से चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। सो अब एक काम करना, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की एक प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करके सारी वीडियोस एक साथ देख लेना। सो वो मैक्स टू मैक्स आपको 45 मिनट्स या उससे भी कम लगेंगे पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करने में। सो और अब से मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं रोज़ एक एक वीडियो डालने से अच्छा है मैं एक हफ्ते में एक पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज अपलोड कर दिया करूँगा। सो उसके साथ साथ एक काम और करना कि आप मेरे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम को एज इट इज़ पेपर में मत ड्रॉ करके आ जाना, क्योंकि वो सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है। अच्छा होगा कि आप मेरी वीडियोस देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी ज़रूर रीड करो, जहाँ से आपको वर्ड्स मिलेंगे, और पेपर में आपको नंबर वर्ड्स लिखने के ही मिलते हैं। उसके साथ साथ इस एक वीक और एक चैप्टर वाली सीरीज़ के अंदर अगर आपको बीच में कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।